ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो अमेरिका से बाहर कोई भी सुपरस्टार जब WWE में जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया से भी काफी सारे बड़े नाम जैसे कि द ग्रेट खली, जिंदर महाल, सिंह ब्रदर्स, इसके अलावा कुछ टाइम के लिए महाबली शेरा, और लिस्ट यहां पर लंबी है। काफी सारे ऐसे नाम आ चुके हैं जो कि WWE के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया है, कुछ ने ज्यादा कमाया है, कुछ ने कम कमाया है। लेकिन एक ऐसा नाम अब सामने आ रहा है जिनका नाम है रिंकू सिंह, और वो बहुत जल्दी WWE में ग्रो कर रहे हैं और पॉसिबली हो सकता है कि वो शायद इंडिया की तरफ से अब तक के सबसे बड़े टैलेंट बन सकते हैं WWE के अंदर। तो क्या पूरी चीज़ है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आज इस बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन है रिंकू सिंह, क्या है और क्या वो कर सकते हैं WWE में काफ़ी ज़्यादा कमाल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने आपको एक गुड न्यूज़ दी थी जब मैंने आपको बताया था कि इंडिया से रिंकू सिंह एक और सुपरस्टार बनने वाले हैं जो कि WWE में जलवे खेलते हुए हमें बहुत जल्दी दिखाई दे सकते हैं। और तब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने परफॉर्मेंस सेंटर को हिट कर लिया है और उन्होंने WWE के साथ डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। और उससे मैंने आपको बताया था कि अभी जो प्रोसेस है वो काफी लंबी चल सकती है, अभी धीरे धीरे स्टेप आगे रिंकू सिंह बढ़ाएंगे, हो सकता है वो NXT में आए, उसके बाद फिर वो मेन रोस्टर के अंदर आए, उसके बाद वो चैंपियनशिप जीते, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर पहली पॉजिटिव चीज रिंकू सिंह के साथ हो चुकी है। जब अभी से कुछ टाइम पहले शॉन मलूटा के साथ उनका एक मैच हुआ था और उन्होंने NXT TV टेपिंग के अंदर एक मैच लड़ा। हालांकि कुछ महीनों पहले सौरव गुर्जर, इस नाम से भी आप लोग काफी अच्छे से वाकिफ होंगे, इन्होंने एक टैग टीम मैच में काम किया था अगेंस्ट वाइकिंग रेडर्स, और वहां पर इनकी जो टैग टीम थी उसका नाम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि नाम था नमस्ते टैग टीम, और वहां पर इन्हें एक काफी अच्छा एक्सपोजर मिला था। लेकिन NXT की टीवी टेपिंग्स के अंदर जब सौरव गुर्जर ने अपना पहला मैच रेसल किया तो ये बहुत ही बड़ी उनके लिए चीज थी। इस मैच में हमें देखकर साफ पता लग रहा था कि रिंकू सिंह एक ऐसे सुपरस्टार बनने वाले हैं जो कि एक पावर हाउस टाइप के होंगे, मतलब जिनके पास जो ताकत है वो भर भर के भरी हुई है। और अगर हम इनके आउटफिट या अटायर की बात करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूरे इंडियन कल्चर को हमें दिखाता है। माथे पर वो तगड़ा सा लंबा चौड़ा वाला टीका, जो उनका रेसलिंग गियर है वो भी हमें पूरे इंडियन कल्चर की याद दिलाता है। अभी रिंकू सिंह के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि रिंकू सिंह पहले भी बहुत बड़े कारनामे कर चुके हैं, जैसे इंडिया से ये पहले ऐसे बंदे बने थे, पहले ऐसे प्लेयर बने थे जिन्होंने प्रोफेशनल बेसबॉल के अंदर अपना नाम कमाया है। इवन यहां पर इनको $1 million आर्म वाले कॉम्पिटिशन में जीते भी थे, और इसके बाद इन पर एक बायोपिक भी बनी थी $1 million आर्म की। तो इनका नाम पहले से ही काफी ज्यादा था, और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए WWE ने रिंकू सिंह पर जो है फोकस किया और उन्हें अपने साथ साइन किया, और अब NXT की टीवी टेपिंग पर भी ये आ चुके हैं। WWE ने पूरा एक तरह से इंटरव्यू दिखाया था रिंकू सिंह का में, जहां पर अपने मैच के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हमें नजर आ रहे थे, वो अपनी मदर को याद करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि उनके मदर ने जो उन्हें पाथ दिखाया है ऐसा लग रहा है कि अब वो उसके ऊपर चलने लग गए हैं और इस पर उन्हें काफी ज्यादा खुशी है। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले उन्हें बेसबॉल से रिटायर होना पड़ा था उनकी इंजरी की वजह से। इंजरी कंसर्न कुछ ऐसा था क्योंकि ये पिचर थे तो पिचिंग करने में कुछ ऐसी उन्हें प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो उन्होंने अपने बेसबॉल वाले करियर को तो अलविदा कह दिया, लेकिन उनके माइंड में WWE था। और भाई दिमाग में आपके प्रोफेशनल रेसलिंग होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जब आपकी जो हाइट है वो 6'3" हो और जो उनका बिल्ड है वो भी काफी तगड़ा है, तो देखकर ही लग रहा है कि ये WWE के अंदर एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं अगर WWE आगे इनके साथ चीजें वैसे ही करती जैसे अब तक चल रही हैं। और फिलहाल जो रिंकू सिंह के साथ चीजें वो अभी तक तो पॉजिटिव है, देखते हैं आगे किस तरह से WWE में प्रोग्रेस करते हैं। और आप लोग जानते हैं WWE में अब तक का इंडिया से जो सबसे बड़ा नाम है वो है द ग्रेट खली, हालांकि आगे तो उनका फ्यूचर कोई नहीं है, लेकिन रिंकू सिंह एक ऐसे सुपरस्टार बन सकते हैं जो कि शायद द ग्रेट खली को भी पीछे छोड़ दें। अभी कहने में तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि शायद WWE जैसे रिंकू सिंह को देख रही है, डेफिनेटली वो एक काफी अच्छे सुपरस्टार बन सकते हैं। तो फिर देखते हैं हम लोग आगे की जो फ्यूचर है रिंकू सिंह का वो कैसा जाता है और आखिर कितना टाइम लगता है उन्हें WWE के मेन रोस्टर में अपना डेब्यू करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि रिंकू सिंह के बारे में आप लोग क्या थॉट्स हैं। इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।